नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल धनु राशि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, एक एक दिन की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका भाग्य प्रतिशत, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी संतान का सुख, प्रॉफिट लॉस, आमदनी, सब चीजों पर हम बात करेंगे और एक एक दिन की बात बताएंगे कि आप जब वीडियो को जैसे जैसे देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 तारीख को क्या होगा, 2 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, ऐसी संपूर्ण जानकारी इन आने वाले 7 दिनों की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में, तो ढेरों बधाई। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत में जो आपकी कार्य स्थिति है पिछले हफ्ते से बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी मानसिक चिंता, थोड़ी सी परेशानी आएगी जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होना है, बेवजह दूसरों को डांटना डपटना नहीं है। अपने कार्यों में विश्वास बना के रखना है। आप विश्वास से काम करेंगे, आपके काम बन जाएंगे। आपको जरूरी कामों को टालना नहीं है, आलस नहीं करना है। जीवन साथी की सेहत की चिंता आपको सता सकती है। सप्ताह के मध्य की स्थिति में आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप स्वयं को ताकतवर महसूस करेंगे, स्फूर्ति होगी, जीवन साथी के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे, जीवन साथी की सेहत सही होगी, कहीं छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपको तनावों से राहत देगी, यात्रा में आप तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। संबंधों को बेहतर करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन, सप्ताह के अंतिम भाग में पेशेवर जिंदगी यानी कि जो नौकरी और व्यापार है वो बढ़िया हो जाएगा। पेशेवर मोर्चे पर आपको अच्छी मन मानचित जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और नवरात्रे भी आ रहे हैं तो देवी की पूजा करने से आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिल जाएंगे धनुराशि वालों को। तो सप्ताह के अंतिम दिन थोड़े से बहुत अच्छे हैं, शुरुआत थोड़ी सी खराब है, मध्य में थोड़ी सी चिंता की बात है। तो अब जानते हैं कि किस तारीख को क्या होगा। बात करेंगे 1 और 2 अक्टूबर की। कर्क राशि में चंद्रमा होंगे तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए, स्वभाव में चिड़चिड़ापन मत लेकर आइए, धन का निवेश मत करिएगा, पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा, जीवन साथी से तालमेल बैठाएं। कुछ इधर उधर के फालतू के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, बेकार के झगड़ों से बचिएगा। किसी अशुभ समाचार के मिलने से या कोई गलती आपसे होने की वजह से आपको टेंशन हो सकती है। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, थोड़ा सा उदासी के कारण भूख कम लगेगी, टेंशन ज़्यादा होगी, रुकावटें आ सकती हैं, वाहन इत्यादि ठीक से चलाइएगा, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जुए वगैरह से दूर रहिएगा। वैचारिक मतभेद होने की वजह से जीवन साथी से घर में थोड़ी खटपट हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन मैंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा प्रेम संबंधों को लेकर, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। आँख में दर्द, टांग में दर्द, गलत भाषा बोलेंगे तो सामने से भी आपको गलत सुनने को मिलेगा। तो अनावश्यक ना बोलें, अनावश्यक काम ना करें। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने काम से काम रखें, नाप तोल कर बोलें, नाप तोल कर काम करें तो ठीक रहेगा। और जल्दबाजी भारी पड़ेगी आपके ऊपर शुरुआती 1 और 2 तारीख में। बात करेंगे 3 और 4 तारीख की। चंद्रमा सिंह राशि में होंगे आपके लिए अब दिन थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा मूड सुधरेगा, काम बनेंगे, संतान से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, आपका भी मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, नौकरी में लगेगा, व्यापार में लगेगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे, प्रेमी प्रेम का मिलने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का थोड़ा सा विचार बन सकता है। कुल मिलाकर मित्रों के द्वारा भी आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुराने दिनों के जो लड़ाई झगड़े थे वो भी कम हो जाएंगे, परिवार में भी सुख शांति होगी, उम्मीद से अधिक धन भी कमाएंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मोहब्बत से बात होगी। कोई भी ऐसा काम आज ना करें जिससे भविष्य में किसी के साथ भी रिश्ते खराब हों। संतान अच्छी है, उनके द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनके द्वारा आपको प्यार मिलेगा। अब आपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको भी मिलेंगी। जैसे कई बार बच्चे जो हैं जब वो माता पिता से खुश होते हैं तो वो भी माता पिता के लिए दुआ करते हैं कि मेरे माँ बाप को तरक्की मिले, उनकी मुसीबतें कम हो, तो उनका आशीर्वाद कहें या उनके ब्लेसिंग से आपके काम बनेंगे। तो इसके लिए आपको बच्चों को भी खुश रखना होगा।
पुरस्कार मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, छोटी मोटी किसी चीज़ में जीत हो सकती है आपकी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी मोटी मानसिक परेशानियों के बाद आप 3 और 4 तारीख को एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे, बेहतरी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके सीनियर से रिश्ते अच्छे, पास पड़ोस से रिश्ते अच्छे, जो आमदनी होनी चाहिए थी वो हो रही है, खर्चों में कटौती हो रही है, लगभग लगभग आपको सभी सुख मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, उसको सोचकर परेशान मत होइएगा, समय बढ़िया है, रिश्तों को निभाने की कोशिश करें और गलतियां ना करें। बात करेंगे 5 और 6 अक्टूबर की, चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, आपको अब अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके बॉस का सहयोग मिलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग सपोर्ट करेंगे, नौकरी लग सकती है, पुरानी नौकरी में तरक्की हो सकती है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की बढ़िया रहेगी, जीवन साथी से 100% लाभ होगा, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, परिवार में सुख शांति होगी, बच्चों के व्यवहार से आप थोड़े से नाराज हो सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, आमदनी के नए रास्ते खुल जाएंगे, आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पिता की सेहत अच्छी रहेगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपका काम धाम में मन लगेगा, पैसे आएंगे, बच्चे एकाग्रचित होकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनकी कोई बुरी आदतें आपके सामने आ सकती है जिससे आपको थोड़ी सी चिंता हो जाएगी, जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त हो सकती है और ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, विवाहित लोगों को जो कुंवारे हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, काम में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, चुस्ती फुर्ती के साथ आप जीवन का आनंद उठाएंगे, परिवार का आनंद उठाएंगे, काम का आनंद उठाएंगे और एक राहत भरी सांस लेंगे। आप 5 और 6 तारीख को जब आपके साथ बहुत कुछ बेहतर होता हुआ आप देखेंगे और आपके कष्ट कम होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख को करीब 10:18 तक चंद्रमा जो है कन्या में, उसके बाद तुला राशि में चले जाएंगे, तो वक्त पूरा दिन बहुत बढ़िया, सुबह का भी शाम का भी खूब बढ़िया, 7 तारीख को पैसा कमाएंगे, सपने पूरे होंगे, जीवन साथी के साथ रोमांटिक होंगे, कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन का सपोर्ट होगा, भविष्य के लिए धन जोड़ पाएंगे, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हैं, कोई इनाम मिल सकता है, कहीं से पैसा मिल सकता है, संपत्ति के मामले सॉल्व हो सकते हैं, उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है, अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, शहर के वरिष्ठ लोगों से बातचीत हो सकती है, इज्जत मान सम्मान के साथ आपका ये दिन बीतेगा, तो कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा रिलैक्स भरा दिन होगा, शाम को आनंद होगा, दोपहर में बढ़िया भोजन का आनंद होगा, सुबह एकदम मस्त सुबह होगी, रात्रि में नींद बढ़िया होगी, शारीरिक कष्ट कम होंगे, पैसा भी आएगा, नौकरी व्यापार की चिंता नहीं होगी, आगे आने वाले दिन की भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है। तो 1 से लेकर 7 तक अगर मैं आपके सप्ताह को देखूं तो आपको करीब करीब 75% शुभ फल मिल रहे हैं, बाकी 25% को सही को पाने के लिए या उसको भी अच्छा करने के लिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, मंगल ही मंगल हो जाएगा आपके जीवन में। अब हम बात करेंगे उन तारीखों की जिस दिन आपको शुभ और अशुभ समय का जानकारी होनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त की जानकारी दे रहा हूँ आगे और राहु काल की जानकारी दे रहा हूँ कि राहु काल में आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो शुभ हो और आपको नुकसान हो जाए, और अभिजीत मुहूर्त का जो मौका होगा उसको छोड़िएगा नहीं, इसमें शुभ काम कर लीजिएगा। तो अब आगे 1 से लेकर 7 तारीख तक के शुभ अशुभ समय की जानकारी विस्तार से। तो 1 अक्टूबर को जो अभिजीत मुहूर्त है 11:45 AM से लेकर 12:35 PM तक, राहुकाल 10:40 AM से लेकर 12:10 PM तक, और अमृत काल रहेगा 8:11 PM से लेकर 9:52 PM तक, राहु काल 9:11 AM से लेकर 10:40 AM तक, और इंदिरा एकादशी है यानी एकादशी श्राद्ध होगा। बात करें 3 अक्टूबर की, तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:32 PM तक, राहु काल 4:35 से लेकर 6:03 PM तक। 4 अक्टूबर की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:32 दोपहर तक, और राहु काल 7:43 AM से लेकर 9:11 AM तक, और अमृत काल रहेगा 8:25 PM से लेकर 9:58 PM तक। मासिक शिवरात्रि का दिन रहेगा, भगवान भोलेनाथ को खुश करिए। 5 अक्टूबर की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:32 PM तक, राहु काल 3:05 PM से लेकर 4:33 PM तक,
बात करते हैं 6 अक्टूबर की, राहु काल 12:08 PM से लेकर 1:36 PM तक, आज सर्वपित्र अमावस्या है। 7 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:31 PM तक, राहु काल 1:35 PM से लेकर 3:03 PM तक, और आज नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा 7 अक्टूबर को, श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरे सप्ताह की जानकारी, हर एक तारीख की जानकारी, पूरा सप्ताह कैसे बीतेगा इसकी एक रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी, उपाय बताए, भाग्य प्रतिशत बताया, शुभ अशुभ समय की जानकारी दी। तो इसको समझिए और आप देखेंगे कि आपका सप्ताह कुछ इस तरीके से बीतेगा। एक एक दिन के हिसाब से आप देखते जाइए ताकि आपको समझ आता रहे। जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।